फिलिस्तीन को मिली बड़ी कामयाबी, मुठभेड़ में दो शातिरों को किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर में पुलिस अधीक्षक आरपी सिंह के निर्देशन में जनपद में अपराधियों पर लगातार कार्यवाही की जा रही है। आपको बता दें कि जनपद सीतापुर के थाना रामपुर कलास्वाट सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा दो अंतरजनपदीय शातिरों को पुलिस मुठभेड़ में संडौर से रामपुर कला जाने वाले मार्ग पर भज्जूपुर चोड़िया बेहर तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया है। अपराधियों को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस टीम के द्वारा दी गई बाइट। थाना रामपुर कला में आज प्रातः एक पुलिस कार्रवाई में कुख्यात अपराधी प्रदीप सोनू निवासी शाहबाद जनपद हरदोई शरीफ निवासी बहराइच को गिरफ्तार किया गया है। वो दोनों पुलिस की गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इनके द्वारा की गई फायरिंग में हमारी पुलिस टीम स्वाट और थाना रामपुर कला की टीम बाल बाल बची है। जानकारी ये हुई कि हमारे यहाँ विगत सप्ताह में एक CSP संचालक से एक लूट हुई थी। हमारी सर्विलांस और स्वाट की टीम थाना प्रभारी रामपुर कला इस घटनाक्रम में लगे हुए थे। कल शाम को दुर्ग गिरफ्तार हुए जिनका नाम क्रमशः श्याम और दुर्गा थे। इनके द्वारा बताया गया कि ये घटना एक प्लानिंग के तहत की गई थी। इसमें चार मुख्य इसमें प्रकाश में आए थे, जो क्रमशः एक लड़का शरीफ है वो जनपद बहराइच का था और एक व्यक्ति जनपद हरदोई शाहबाद का था और दो लड़के जनपद शाहजहांपुर के थे। जानकारी ये भी हुई कि ये दो लड़के आज प्रातः एक रैकी में आ रहे हैं। इसी सूचना पर हमारी पुलिस टीम लगी हुई थी और इनके भोर में आज जनपद सीतापुर की सेवा में आती इनसे पुलिस कार्रवाई में इनको गोली लगी है। कुख्यात अपराधी हैं। इनसे घटना में लूटी गई 29,500 रुपये बरामद हुए हैं तथा आधार कार्ड और जिस गाड़ी से इन लोगों ने घटना की थी वो मोटरसाइकिल दो बरामद हुई है तथा इनके पास से दो अवैध तमंचे बरामद हुए थे। ये एक बड़ी उपलब्धि जनपद पुलिस के लिए है।